उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रदेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्री और जिनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हमारे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बगल में ही श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक जी वाजपेयी, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री मोहसिन रजा सदस्य विधान परिषद, श्री मुकेश शर्मा महानगर अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद, श्री गोकल नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री रामचंद्र प्रधान सदस्य विधान परिषद, श्री उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद, श्री आशुतोष टंडन पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विधायक, और श्री नीरज गौड़ा एमएलए, श्री योगेश शुक्ला बक्सी तालाब से एमएलए, श्री अमरेश कुमार एमएलए, श्रीमती संयुक्ता भाटिया पूर्व महापौर, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो मुझे जानकारी दी गई है कि लगभग 352 परियोजनाओं, जिन परियोजनाओं की लागत 1,449.68 करोड़, उसका लोकार्पण होगा। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत प्रशंसा करती है, बहुत तारीफ करती है, लेकिन जो भी विकास कार्य लखनऊ के अंदर हुए हैं अथवा हमारे कौशल किशोर जी के क्षेत्र में हुए, मैं इसका श्रेय यदि देना चाहता हूं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय देना चाहता हूं। भले ही सारी केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत क्यों न हो जाए, जब तक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, जब तक उस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक इतनी जल्दी परियोजनाओं का पूरा होना या किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहुत ही तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दायित्व को यहां पर निभाया। अभी आप सब कुछ दिन पहले होली के रंग में लगे हुए थे, और आज का जो मैं दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं आज हमारा यह लखनऊ विकास के रंग में रंगा हुआ हमको दिखाई देता है। शायद आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। और मैं कह सकता हूं आज तक इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, सारे रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा है, हमारे योगी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी शुभकामनाएं, पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त।
यदि मैं यह कहूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात पे अच्छी तरह परिचित हैं। अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि अब तक 63, तो मेरे भाइयों मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में यह लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जा रहे। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चल रहा ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। और भय और अपराध के वातावरण से मुक्त होकर हमारा यह उत्तर प्रदेश की जनता $1 trillion की अर्थव्यवस्था का स्वप्न पाले हुए। और मैं कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने 17 रोड में $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने का अच्छी तरह तैयार कर लिया और काम भी उस पर तेजी के साथ चल रहा है। किस तरीके से लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सारी परियोजनाएं ही इस बात की बहुत अच्छी है। आज सड़कों, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर मैन तथा नई नगरीय सड़कों और सर्विस रोड का लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास हो रहा है। और जैसा योगी ने भी बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,500 घरों का यहां पर लोकार्पण भी होगा। मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप यह विकास इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 4,500 नए आवासों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शिलान्यास भी आज हुआ। IIM रोड से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी यहां पर शिलान्यास होगा। और मेरे बहन भाइयों, यह कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ से भी जोड़ दिया जाए। और मैं यह मानता हूं कि यह नए लखनऊ के लिए एक सेंट्रल कॉरिडोर का यह स्वरूप हो, क्लीन और ग्रीन लखनऊ की परिकल्पना साकार होते हुए साफ तौर पर अब लखनऊ में देखी जा सकती है। मेरे लखनऊ के अंदर, लखनऊ के इर्द गिर्द और लखनऊ से हर जिले की अच्छी रोड कनेक्टिविटी करने का हमारा जो विजन है वह भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते हैं लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 2019 में भी पूरा हो चुका है। लखनऊ से हरदोई 4 लेन की सड़क बनाने का काम इस समय प्रगति पर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का निर्माण भी इस समय प्रगति पर है। लखनऊ अयोध्या होते हुए गोरखपुर 6 लेन का काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आउटर रिंग रोड जो 104 किलोमीटर की लखनऊ के चारों तरफ, वैसे अधिकांश सारा का सारा क्षेत्र हमारे कौशल किशोर जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, उस पर भी 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर आते आते आप इस 104 किलोमीटर के रिंग रोड से जहां से आप प्रस्थान करेंगे सीधे घूमकर फिर वहीं जा सकते हैं। यानी लखनऊ के चारों तरफ जिस भी मोहल्ले में आप जाना चाहते हैं रिंग रोड से उतर कर सीधे उस मोहल्ले में आप प्रवेश कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सौभाग्य लखनऊ को मिली है जहां पर फ्लाई ओवर बन रहे हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं
अब तक 9 फ्लाईओवर बन चुके हैं और इनका लोकार्पण हो चुका है और इन पर आम जनता के आवागमन का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। 3 का इस समय निर्माण चल रहा है, उसे ही 2-4-6 महीनों के अंदर उनका भी लोकार्पण हो जाएगा और 5 और नए फ्लाईओवर लखनऊ के लिए और स्वीकृत हो गए हैं। यही मैं आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूं। और आपको जानकर इस बात की भी खुशी होगी, गोमती नगर रेल टर्मिनल का काम लोगों ये बताया गया है कि 14 दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा और इस बार के बजट में लखनऊ सिटी और चारबाग रेलवे स्टेशन को भी फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस बार के बजट में लखनऊ सिटी और चारबाग रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत चयनित कर लिया गया है, जिन्हें विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, 2019 में मुझे याद है मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जैसे नोएडा के चारों तरफ के क्षेत्र को विकसित करके एनसीआर घोषित किया गया नेशनल कैपिटल नहीं, वैसे ही लखनऊ के अगल बगल भी युद्ध विकास का कार्य तेजी के साथ हो रहा है और लखनऊ शहर का क्षेत्र सीमित है, इसलिए यहां पर भी यशिया स्टेट कैपिटल रीजन का को भी विकसित किया जाना चाहिए। और मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में अपना अंतिम फैसला कर लिया है और एनसीआर के तौर पर ही यशिया का भी विकास के लिए बहनों, लखनऊ एयरपोर्ट का काम चल रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा और एयरपोर्ट की प्रतिवर्ष की हैंडलिंग कैपेसिटी 55 लाख यात्रियों से बढ़कर 1 करोड़ यात्रियों तक की हो जाएगी। अब तक 55 लाख यात्रियों की जो हैंडलिंग कैपेसिटी थी वह बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मैं सारे कार्यों की यदि बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा एक लंबा समय लगेगा, इसलिए मेरा मानना है कि लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज जिस स्तर का बन चुका है, यहां बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे और अभी हाल में ही जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है और 2020 में डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, जिस शानदार तरीके से संपन्न हुआ है और जिन लोगों ने देश अथवा दुनिया के दूसरे भागों से जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, सबने इस कार्यक्रम की और यहाँ की व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मेरे बहनों भाइयों, सचमुच हम सभी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही गौरव वाली है और उस समय मुझे बेहद खुशी हुई जबकि इस बात की जानकारी मिली कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो परिणाम निकला है 35 लाख करोड़ रुपया यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके। और मैं G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी सफलतापूर्वक यहां आयोजित हुई है, मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और मैं भी मानता हूं कि अब यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी होंगे, पता नहीं अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी हो सकते हैं। मगर कोई बड़ा नेशनल इंटरनेशनल मेजर स्पोर्टिंग इवेंट यहां काफी समय से नहीं हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अब यूपी गवर्नमेंट अगले नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की मेजबानी का भी अपना दावा पेश करे, बिहार कंट्रोल करना चाहते। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको एक और जानकारी में देना चाहता हूं, अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की और लखनऊ के लोगों के लिए बेहद एक हर्ष का यह विषय, लखनऊ में लखनऊ और हरदोई के बीच 1300 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के
नेता टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, यहां चिकन उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, कपड़े के उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। यह तोहफा केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है बल्कि हमारे यहां के बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा, ऐसा मेरा यहां विश्वास है। और मेरे बने भाइयों, अन्य बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका बहुत विस्तार में जाकर उल्लेख करने का कोई उचित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक और नगर में रहन सहन का स्तर इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से बढ़ेगा, वहीं पर बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की भी गतिविधियां आकर्षित होने से रोजगार के भी नए नए अवसर यहां पर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय और आस पास की आबादी को रोजगार मिलेगा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी हमारे लखनऊ और आस पास के लोगों को अवसर प्राप्त होगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि और हम सब लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज इस अवसर पर एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, कल ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने एक पत्र लिखकर मुझे सूचित किया है। यहां पर भारत सरकार द्वारा लखनऊ संसदीय क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न स्मारकों में, यहां के स्मारकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न स्मारकों में रिपेयर एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास अवलोकना भेजी और एक लंबी कहां कहां पर यह सौंदर्यीकरण का काम किन स्मारकों का हो रहा है, कहां रिपेयर हो रहा है, इसकी भी उन्होंने जानकारी मुझे भेजी। मैं समझता हूं कि लखनऊ विश्व का सबसे सुंदर शहर बनकर खड़ा होगा, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारे दिल का। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए निश्चित रूप से यह मुराद हम सब लोगों की पूरी होकर रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत